खबर शामिल करते हैं गुजर खान से। राजा शफकत अली खान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इस्लामी माशी और मजबूत पाकिस्तान का सूरज तलू होगा और इसका सालार इमरान खान होगा। मुल्क के चारों सूबों से दोस्त अहबाब और पार्टी वर्कर्स की मोहब्बत का मकरूज हूँ कि जिन्होंने कई घंटों की मुसाफत तय करके यहाँ मुझसे मिलने आए और इजहार यकजहती किया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अपने आबाई गांव हाथियान तहसील तख्त 22 जिला मर्दान में गुजर खान से पीटीआई के सीनियर रहनुमा शहजादा खान की क्यादत में आने वाले वफ़ से गुफ्तगू करते हुए किया। अली मोहम्मद खान ने कहा कि गुजर खान के बावफा लोग हैं, मुश्किल के इस वक्त अपने चेयरमैन इमरान खान और पार्टी के साथ जिस खुलूस मोहब्बत और वफादारी से खड़े हैं इनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जुल्म की सियार रात खत्म होने वाली है, इस्लामी माशी और मजबूत पाकिस्तान का सूरज तुलू होने वाला है जिसका सालार इमरान खान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रिहाई का तीसरा दिन है। अली मोहम्मद खान साहब अपने हलके में अपनी रिहायशगाह पर मौजूद है। अवाम की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर इस वक्त उनको मुबारकबाद देने आई है। उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासर थे। मुझे तो नहीं पता था कि अल्लाह ताला की इज्जत देगा और लोगों का इतना प्यार मोहब्बत मिलेगा। खासकर पहले हल्के के लोग ईद वगैरह पे आते थे, मिलते थे हमारे अपने इलाके के लोग। इस बार पूरा खबर पंजाब से भी बहुत से इलाकों से अभी आज कसूर से लोग आए हैं। कल पूरा वो सफ़र करके जो सुबह इस्लामाबाद से निकले पहुँचे, चरसदा, पेशावर और दीन बाजुवर्ड और स्वात, उसके साथ साथ हमारा खैबर, अंकू, कोहार, डी ए खान, सवाबी और उसके साथ हमारे गुजर खान से, पूरे खैबर पुख्तनख्वा से, मालाकंड से, अगर किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ, तंगी से, मुख्तलिफ इलाकों से सब ने जो है वेलकम किया है, इधर आए हैं। मैं आप सबका फर्दन फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर कुछ लोग मुल्तान से आए हैं, कुछ लोग जो हैं लाहौर से आए, लकी मरवत से बिल्कुल, और इस्लामाबाद से, दिल्ली से बहुत लोग तशरीफ लाए, कराची से कल हमारे कुछ दोस्त आए। तो ये आपकी मोहब्बत का इजहार है, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। और ये मेरे ख्याल में अल्लाह ताला की जो आयत है ना कुरान में कि वो थोड़ी जुबान पेशा हो तो जुल्म पेशा दे सकता है, बेशक किस्तों जरूरत का मालिक जो है वो अल्लाह है। मेरी दुआ है कि जितनी असीरी के दिन हैं या जितनी ये तकलीफ हमारे कारकुनों पर, हम सब पाकिस्तान भी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से है, अल्लाह इसमें खैर रखे। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं कुरान में कि फ़ाइन महालूसर के हर तकलीफ के साथ आसानी है, बेशक हर तकलीफ के साथ आसानी है। इंशाल्लाह इस तकलीफ के बाद पाकिस्तान के लिए एक खुशियों का एक अच्छा, एक मुस्तकबिल मजबूत, एक माशी पाकिस्तान, एक इस्लामी पाकिस्तान, इसका इंशाल्लाह सूरज शुरू होगा और उसका इंशाल्लाह सालार कोई और नहीं, इंशाल्लाह इमरान खान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।